पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराई थी और एक चार्ट लिखवाया था विच वॉज अबाउट दी डिफरेंट फ्रैक्शन ओपेन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. और तय ये हुआ था कि जो सबसे अहम चीज पेट्रोलियम से हमें हासिल होती है कंपैरेटिवली वो है पेट्रोल. मगर जितना पेट्रोल सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें दे रही है वो ओवरऑल पेट्रोलियम का तकरीबन 20% होता है, विच इज नॉट इनफ टू मीट द वर्ल्ड डिमांड. जो दुनिया में जरूरत है उसके लिए इनफ नहीं है, तो हमें कुछ करना होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए. प्लस हमने ये भी कहा कि वो जो 20% भी मिलता है वो क्वालिटी के लिए इतना क्वालिटी के एतबार से अभी इतना बेहतर नहीं होता कि वो फौरन इस्तेमाल हो सके. इट मीन्स यू हैव टू डू टू थिंग्स, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है और क्वान्टिटी भी इम्प्रूव करनी है. और दोनों के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम कहा जो काम हम करते हैं क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए वो कहलाता है रिफॉर्मिंग, और जो क्वान्टिटी इम्प्रूव करने के लिए करते हैं वो कहलाता है क्रैकिंग. और यही हमारे नेक्स्ट दो टॉपिक है. तो सबसे पहले क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के हिसाब से बात करते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले तो ये समझ में आए कि आखिर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में पेट्रोल हमें मिलता है उसकी क्वालिटी का प्रॉब्लम क्या है, एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं नॉकिंग. चूंकि आपको ये बात बताई गई कि पेट्रोल उस फ्रैक्शन को कहते हैं जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होती है, और उसमें कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ये सारे हाइड्रोकार्बन्स इंडिविजुअली लिक्विड हैं, इसलिए इनका मिक्सचर भी लिक्विड है. तो पेट्रोल एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जिनमें कार्बन एटम की रेंज जो है वो 5 से 10 है. अब इसमें प्रॉब्लम की बात यह है जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. 10 से ज्यादा कार्बन वाले लिक्विड पेट्रोल में इसलिए शामिल नहीं होते कि उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो जाता है कि पेट्रोल जिस टेम्परेचर की डिमांड करता है कंबस्शन के लिए या वेपराइज होने के लिए वो उससे थोड़े से आउट हो जाते हैं. इसका मतलब ये तो एक बात हुई. फिर इसके बाद ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 5 से 10 तक कार्बन है मगर वो स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ब्रांच चेन वालों का कम होता है. तो एक बात को जहन में रखना है, जब आप पेट्रोल को इंजन में जलाते हैं तो पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में नहीं वेपर्स की फॉर्म में होता है. इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए ज्यादा आइडियल हैं जो आसानी से इवेपोरेट हो जाए, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम हो. तो थोड़ा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड हैं वो थोड़े से गैर मुनासिब हो जाते हैं पेट्रोल के तौर पर यूज होने के लिए. और चूंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं इसलिए अगर पेट्रोल में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हुए तो वो पेट्रोल थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है. क्या प्रॉब्लम करता है? उसके तमाम मॉलिक्यूल्स को कंबस्ट करने के लिए जलाने के लिए हमें थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और उसकी वजह से वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है. तो नॉकिंग वो प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं उस वक्त जब हमारे पेट्रोल में ऐसे हाइड्रोकार्बन्स थोड़े से ज्यादा हो जाएं जिनमें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल शो अ पुअर परफॉर्मेंस. और उसमें होता यह है कि चूंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आसानी से वेपराइज नहीं होते, मुश्किल से इवेपोरेट होते हैं, तो वो इंटरनल कंबस्शन इंजन में शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं नॉकिंग. तो नॉकिंग की डेफिनेशन है सिंपल अल्फाज में शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड
इन इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्यू टू द यूज ऑफ बैड क्वालिटी पेट्रोल। भाई देखिए, पेट्रोल का काम ये है कि वो इंजन में हवा में मौजूद ऑक्सीजन, इंजन के अंदर एयर भी आती है, एयर की मौजूदगी में पेट्रोल या फ्यूल जो है वो रिएक्शन करके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके एनर्जी बनाता है, और वो एनर्जी इंजन को चलाने का काम होती है। सिंपल अल्फाज है, फ्यूल ऐसा पर्टिकुलर केमिकल होता है जिसे जब एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल भी यही करता है। अगर पेट्रोल में ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो तो वो बेहतरीन तरीके से कम्बस्ट होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर उसमें स्ट्रेट चेन कार्बन हो तो वो बड़ी मुश्किलों से कम्बस्शन करते हैं, और बाज़ औक़ात उल्टा हो जाता है, वो बजाय कम्बस्शन करके आपको एनर्जी देने के, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके डीकम्पोज हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि इंजन के अंदर बजाय पेट्रोल से एनर्जी बने, एनर्जी कंज्यूम होती है, और इस प्रोसेस के नतीजे में इंजन की स्मूथ मूवमेंट में गड़बड़ होती है और वो आवाजें पैदा करता है। तो अगर आपको अपनी इंजन से मेटालिक साउंड की आवाजें, खट 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 की आवाजें आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल किया गया है जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज्यादा है और वो प्रॉपर तरीके से कम्बस्ट नहीं हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम को नॉकिंग कहते हैं। अच्छा, ये नॉकिंग दूर प्रैक्टिकली अनटिल एंड अनलेस आप ऐसी जगह से पेट्रोल लें जो कोई ऑथेंटिक पेट्रोल पंप नहीं है और उसमें ऐसा पेट्रोल दे दिया गया हो तो और बात है, अदरवाइज अब तो ऑयल रिफाइनरीज इस प्रॉब्लम को दूर करके हमें पेट्रोल देती हैं। तो अब ये प्रॉब्लम दूर कैसे हो? शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्यू टू द यूज ऑफ बैड क्वालिटी पेट्रोल। बैड क्वालिटी पेट्रोल से मुराद है ऐसा पेट्रोल जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की प्रोपोर्शन थोड़ी ज्यादा हो। भाई थोड़े कम हो तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो आवाजें पैदा करेगा। तो कैसे दूर करें इसको? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग सम एंटी नॉकिंग एजेंट like TML which is tetramethyl lead and TEL which is tetra ethyl lead। दोनों में से कोई एक, इन पेट्रोल। ये तो हो गई नॉकिंग की डेफिनेशन। के नॉकिंग एक प्रॉब्लम है पेट्रोल की, जो उस वक्त हमारे सामने आती है जब हम खराब क्वालिटी का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से इंजन के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। इसे हम दूर कर सकते हैं अगर हम पेट्रोल के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे डालें जो एंटी नॉकिंग एजेंट कहलाते हैं या एंटी नॉकर्स कहलाते हैं, और उसमें है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस, लेकिन दो मशहूर ऑप्शन है टेट्रामिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड। इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर पेट्रोल में डाली जाए तो उसकी नॉकिंग रिड्यूस हो जाती है और वो बेहतर और एफिशेंट पेट्रोल बन जाता है। तो अब ये मैंने नॉकिंग की डेफिनेशन में कहा, ये प्रोसेस जिसमें से जिसकी मदद से हम नॉकिंग को दूर करते हैं बाय एडिंग सम एंटी नॉकिंग एजेंट, ये प्रोसेस कहलाता है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। इसको हम कहते हैं रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास हर पेट्रोल जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की मदद से हमें मिला है उसमें चूंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की प्रोपोर्शन ज्यादा होती है इसलिए वो नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। तो हम रिफाइनिंग के बाद उसके साथ एक और प्रोसेस करते हैं जो रीफॉर्मिंग कहलाता है। रीफॉर्मिंग के प्रोसेस में हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स की मदद से
स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को रीअरेंज करके ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह नॉकिंग की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो पहले हमने प्रॉब्लम बताया नॉकिंग, और अब इसको दूर करने का तरीका जो हमने लास्ट टाइम लिखा था वो है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into branch chain hydrocarbons in the presence of anti-knocking agent or anti-knocker like TML or TEL is called reforming of petroleum. So conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons in the presence of anti-knocking agent or anti-knockers like TML or TEL is called reforming of petroleum. It increases the quality of petrol and decreases the knocking. So reforming वो process है जिसके नतीजे में petrol की knocking कम हो जाती है और उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, इसलिए कि नॉकिंग की वजह है पेट्रोल में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का होना जो कंबस्शन आसानी से नहीं करते, इसलिए हमारी फ्यूल बर्निंग के प्रोसेस में रुकावट डालते हैं। हम इन्हें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में चेंज कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, और इस काम के लिए हमें पेट्रोल में कोई एंटी नॉकिंग एजेंट डालना होगा। अब ये थोड़ी सी बात वर्दी है कि मैं मेंशन कर दूं कि जिस जमाने में ये किताब बनी थी उस जमाने में TML और TEL ही इस काम के लिए इस्तेमाल होते थे कि पेट्रोल की रिफॉर्मिंग की जाए और उसकी नॉकिंग दूर करके उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए, तो ये टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करें। लेकिन अब हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि पिछले 15-20 सालों के दौरान हमने ये बात पता की कि पेट्रोल जब जलता है और उस पेट्रोल में अगर ये टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड मौजूद हो तो नॉकिंग तो हमारी बचत हो गई, वो तो खत्म हो गई, लेकिन एक दूसरी मुसीबत गले पड़ जाती है कि अगर पेट्रोल में लेड का कोई कंपाउंड होगा और हम उस पेट्रोल को जलाएंगे तो जो वेस्ट गैसेस निकलती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं साइलेंसर से, उसमें लेड के पार्टिकल्स भी होंगे जो TML के अंदर थे, तो वो लेड जो है वो भी हमारी एनवायरमेंट में धुएं के साथ निकलेगा गाड़ी के साइलेंसर से और वो सीरियस एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनता है। तो इसलिए अब प्रैक्टिकली इस पर पाबंदी लग गई। तो किस किताब जमाने में किताब लिखी गई थी, इस वक्त यकीनन इस्तेमाल होते थे, मगर अब कम से कम लीगली दुनिया में कहीं भी हम इसे एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैंने कहा देयर आर अदर ऑप्शंस, तो अब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं या कोई और केमिकल भी यूज हो सकता है। तो चूंकि इसका तस्करा बुक में नहीं है इसलिए हम तो यही लिखेंगे, ये अपने नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि बहरहाल अब ये इस्तेमाल नहीं हो। अच्छा, अब जो प्रोसेस होता है जब हम टेट्रा मिथाइलाइड या टेट्रा इथाइलाइड डाला करते थे तो वो प्रोसेस ये है कि उसकी वजह से स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया करते थे, जिसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ ताकि अगर फर्ज कर लें ये डेफिनेशन आती है तो हम इस एग्जाम्पल को भी साथ कोट करें। और वो है कि आपने रिएक्टेंट में शो किया एक 8 कार्बन वाला ऑक्टेन और वो स्ट्रेट चेन है, क्योंकि सारी बात ही यही हो रही है कि स्ट्रेट चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रहा मेरे पास 8 कार्बन का स्ट्रेट चेन ऑक्टेन। तो 5 से लेके 10 तक जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं
फाइव से लेके 10 कार्बन वाले वो सारे के सारे पेट्रोल में, और उनमें खास तौर पर जो स्ट्रेट चेन में है वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए हमने उसमें से एक पिक कर लिया ऑक्टेन। अच्छा अब IUPAC में तो उसको ऑक्टेन कहते हैं। अब साथ साथ जरा आप थ्योरी भी पढ़ रहे ना तो साथ साथ हम तस्करा करें। कॉमन नेमिंग में अगर किसी हाइड्रोकार्बन को आप देखें कि वो स्ट्रेट चेन में है तो हम उसके नाम के साथ N लगा देते हैं और वो नाम बन जाता है N ऑक्टेन, वेयर N मींस के 8 कार्बन की चेन स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल ऑक्टेन कहलाता है ये, नॉर्मल का N है। और नॉर्मल हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेमिंग में जहां चेन पेरेंट चेन स्ट्रेट हो। IUPAC वाले कहते हैं जब स्ट्रेट हो तो कुछ भी मत लिखिए, समझ आ गया स्ट्रेट है, लेकिन कॉमन नेमिंग में उसमें N लगा देते हैं। तो हम मैं N ऑक्टेन कहूँ या सिर्फ ऑक्टेन कहूँ, इससे मुराद ये कंपाउंड होगा जिस वक्त आपके सामने बना हुआ है। अब एंटी नॉकिंग एजेंट्स की मौजूदगी में विच आर TML और TEL, इसने अपनी रीफॉर्मिंग की, अपने एटम्स को रीअरेंज किया। याद रहे इस प्रोसेस के दौरान सिर्फ ये अपने शेप्स चेंज करते हैं, बॉन्ड शफल करते हैं, ना कोई एटम कम होगा ना कोई एटम ज्यादा होगा। इस वक्त 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है ये एग्जैक्टली इतने ही रहेंगे, बस सिर्फ अपनी अरेंजमेंट को चेंज करेंगे और अरेंजमेंट अब स्ट्रेट से ब्रांच हो जाएगी। आप चाहें तो गिनकर देख लीजिएगा, अब जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इसमें भी 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि नाउ दीज 8 कार्बन आर अरेंज इन ए ब्रांच स्ट्रक्चर, एक छोड़ो तीन तीन ब्रांचेस हैं इसमें, और इस कंपाउंड का नाम बनता है टू, ये नाम हम यहाँ ऊपर लिख लें, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। सो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन एक ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड है, और अगर ये पेट्रोल में हो तो पेट्रोल की नॉकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, इंतहाई बेस्ट क्वालिटी पेट्रोल बन जाता है, अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। जबकि स्ट्रेट चेन वाला ऑक्टेन जो बिल्कुल उतने ही आइटम रखता है जितने कि इस कंपाउंड में थे, वो स्ट्रेट चेन होने की वजह से बड़ी मुश्किलों से वैपरेट होता है और बड़ी मुश्किलों से कम्बस्ट होता है, तो ये बैड क्वालिटी पेट्रोल की निशानी है। तो जिस तरह ऑक्टेन इसमें कन्वर्ट हुआ, इस तरह जब आप TML या TEL डालते हैं तो जहां जहां स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू सम ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, और इस तरह नॉकिंग रिड्यूस होती है और क्वालिटी बढ़ती है। तो ये दो डेफिनेशन हमने आपके सामने लिखी, एक लिखी नॉकिंग, एक लिखी रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। दोनों का ताल्लुक इस बात से था कि पेट्रोल मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का, उस मिक्सचर में जो स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कम्बस्शन के लिए मौजू नहीं होते, इसलिए उनकी वजह से हमारे पेट्रोल के इंजन में आवाजें पैदा होती हैं और एनर्जी जाया होती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या तो खत्म हो जाए या उनको भी ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लिया जाए, ये प्रोसेस रिफॉर्मिंग कहलाता है। और इसके लिए हम अपने पेट्रोल में एक सूटेबल केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से ये कन्वर्जन होती है। ये केमिकल पहले TML और TEL हुआ करते थे, अब आजकल हम और केमिकल्स यूज करते हैं जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल है, और इसकी एक एग्जाम्पल भी हमने कोट कर दी। अब जब आप अपने पेट्रोल में कोई भी ऐसा एजेंट डालते हैं जो रिफॉर्मिंग करवाए, जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनाए फ्रॉम दी स्ट्रेट चेन, तो जाहिर सी बात है ये सारा काम अंदाजे से हो रहा होता है। हमें नहीं पता कि जो पेट्रोल हमने ज़मीन से निकाला और रिफाइनिंग करने के बाद हमें उसमें से जो मिला उसमें कितनी प्रोपोर्शन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की है। हम अपने अंदाजे से उसमें कुछ एंटी नॉकिंग एजेंट डालते हैं, उसमें मौजूद स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि क्या ये परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क हो गई। अगर अप टू दी मार्क हो गई तो इसका मतलब है उसमें मौजूद सारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स या ज्यादातर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ब्रांच में कन्वर्ट हो गए, हमें इत्मीनान हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर या तो हम इसकी फर्दर मजीद करेंगे रिफॉर्मिंग, या फिर हम ये डिक्लेयर करेंगे कि ये कंपैरेटिवली थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी वाला पेट्रोल है। इसका मतलब है इंडस्ट्री वालों के पास कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपने पेट्रोल की ग्रेडिंग कर सकें कि ये किस क्वालिटी का पेट्रोल है, ये किस क्वालिटी का है, ये किस क्वालिटी का, इसमें कितनी नॉकिंग है, इसमें कितनी नॉकिंग है, उसमें कितनी नॉकिंग है। तो ये स्केल जिसके जरिए पेट्रोल की क्वालिटी या उसकी नॉकिंग को जज किया जाता है, मेजर किया जाता है, इस स्केल को कहा जाता है ऑक्टेन नंबर। ये तीसरी डेफिनेशन है जो इस जिम में हम देख रहे हैं, ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर असल में क्या है, ये है इंडस्ट्रियल
स्केल टू मेजर द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल की क्वालिटी मेजर करने का स्केल है. हाई ऑक्टेन नंबर means high quality and less knocking, and low octane number means bad quality and high knocking. तो octane number एक ऐसा scale है जिसकी value आपको quality और knocking के बारे में बताती है petrol की. जितना ज्यादा octane number होगा उतनी अच्छी quality का petrol होगा और knocking उतनी कम होती जाएगी, और जितना कम octane number होगा उतनी बुरी quality का petrol होगा और knocking उतनी ज्यादा होती जाएगी. तो अमूमन octane number हम 0 से 100 की range में बताते हैं. तो 100 means absolutely high quality petrol, और 0 means the worst quality petrol, और in between उसी हिसाब से values हैं. तो अमूमन जो petrol हम इस्तेमाल करते हैं, आप में से जो बच्चे petrol pump में petrol डालते हैं तो नाम पढ़ते हैं, supreme या regular quality वाला जो petrol है उसकी octane number मुख्तलिफ companies के अपने अपने standard हैं, लेकिन 89 से 92 के दरमियान होता है ये supreme या regular जो होता है. और जो high octane कहलाता है, अब जो Shell वालों ने अपने नाम से बना दिया और सबके अपने, वो पहले हाई ऑक्टेन कहलाता था, उसका ऑक्टेन नंबर तकरीबन 96 होता है. तो हम मैक्सिमम जिस क्वालिटी को यूज करते हैं वो 96 है, और वैसे क्या होती है 100, व्हिच इज एब्सोल्युटली अ वेरी हाई वन. तो इसका तरीका ये बनाया गया था असल में, इस पर्टिकुलर नंबरिंग का जो तरीका है वो ये है कि हमने दो केमिकल्स लिए जिनको हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू असाइन की है, और वो क्या है, ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन. अब आपको याद हो गई होगी बात कि एन हेप्टेन से मतलब है 7 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रेट चेन में हो. तो लफ्ज एन जो है ये कॉमन नेम वाले लगाते हैं. अगर मुझे IUPAC में नाम देना होता मैं सिर्फ हेप्टेन कहता. तो सिर्फ हेप्टेन का भी मतलब यही है कि 7 कार्बन एक ही चेन स्ट्रेट चेन में है. तो 7 कार्बन वाला जो स्ट्रेट चेन हेप्टेन होता है वो वर्स्ट क्वालिटी पेट्रोल है. अगर प्योर हेप्टेन किसी ने अपनी गाड़ी के इंजन में डाला तो समझिए सत्यानाश है, ये सबसे ज्यादा नॉकिंग करता है, सबसे घटिया क्वालिटी का पेट्रोल है. तो साथ में स्ट्रक्चर भी बना दिया ताकि आपको भी अंदाजा हो, हेप्टेन 7 कार्बन वाला अल्कीन है और 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में है. जबकि सबसे आइडियल क्वालिटी का पेट्रोल वो है जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल में बनाया था रिफॉर्मिंग की, और वो है ऑक्टेन नंबर ऑफ 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन इज 100, ये मैक्सिमम है. और इसका स्ट्रक्चर वैसे तो पीछे बना हुआ है लेकिन जस्ट यहां भी एग्जाम्पल हो जाए इसलिए यहां पे लिख देते हैं. तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स से हमने अपने ऑक्टेन नंबर की मैक्सिमा और मिनिमा तय किए. अब अभी जो मैंने आपसे कहा कि जो सुप्रीम क्वालिटी या सुपर पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं और वो 92 ऑक्टेन नंबर रखता है, तो इसका मतलब है वो एफिशिएंसी के एतबार से 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन का 92% है. यानी जो क्वालिटी 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन दिखाता है उसके हिसाब से 92% क्वालिटी उसकी होती है, इसलिए उसका ऑक्टेन नंबर 92 है. और अगर किसी का ऑक्टेन नंबर एग्जैक्ट 100 होगा इसका मतलब है वो क्वालिटी के एतबार से इस कंपाउंड से मैच करता है. तो अब ये डेफिनेशंस हैं तीन बेसिकली जो इम्तिहान में मैंने कहा ये पहली चीज है इस टॉपिक की जो इम्तिहान में हमें नजर आती है. तो पेपर में गैप्स के साथ, दो दो तीन तीन साल के गैप्स के साथ ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन पूछी गई है, रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन पूछी गई है, नॉकिंग की डेफिनेशन पूछी गई है. डेफिनेशन ना पूछें तो इसमें जो बातें मैंने लिखी है वो MCQs में बहुत आती हैं,
मसलन एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर कौन इस्तेमाल होता है, मसलन किसका ऑक्टेन नंबर 0 है, किसका ऑक्टेन नंबर 100 है, ये वो चीज़ें हैं जो रेगुलरली, तो ये कहिए कि पहली चीज़ आ गई अब हमने जब से थ्योरी शुरू की है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए ज़रूरी है, वरना उससे पहले जो चीज़ें पढ़ी थी वायरल पढ़ानी ज़रूरी थी, रिस्क नहीं ले सकते। और ना अभी कह रहा हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं उसे याद करने की, बिल्कुल पढ़ें उसको, उतना ही पढ़ें जितना मैंने लिखा है, काफ़ी है। हाँ, ये जहन में रखते हुए पढ़ें कि वो चीज़ें इम्तिहान में आने के चांसेस बेहद कम है। ठीक हो गई बात? तो अब ये सारी स्लाइड्स मैं आपसे शेयर करूंगा और अब यहाँ से हम क्वांटिटी वाले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? और ये क्या पूछना चाह रही हैं हया आप? सर, ऑक्टेन नंबर को ऑक्टेन नंबर क्यों कहते हैं, मतलब ये एक किसी एक कार्बन से रिलेटेड है? ये महज नाम है जिसमें ऑक्टेन का लफ्ज आ गया है, इसका 8 कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब ये बात मैं फिर रिमाइंड करा दूं, हमारा ट्यूसडे के दिन टेस्ट है और वो पूरे नॉर्मन क्लेसर से होगा, और इसी तरह जैसे 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब नाम आप लिखेंगे तो एक ही पेज पे लिखेंगे और इसी तस्वीर खींच कर मुझे भेजेंगे। थैंक यू जी। एमन क्या कहना चाह रही हैं? सर, आप टेस्ट का बता रहे हैं ट्यूसडे को है, लेकिन अभी से पहले हमारी क्लास हुई थी तो सर सफियुद्दीन ने कहा था कि जो मंडे ट्यूसडे को टेस्ट होंगे दोनों, फिजिक्स इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, वो हम मंडे को लेंगे कोचिंग में। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि फिजिक्स का टेस्ट होगा। उन्होंने केमिस्ट्री वापसी मेंशन किया, लेकिन फिर चले सही है अगर केमिस्ट्री का टेस्ट ट्यूसडे पर है। आपने किसी मैसेज में कहा कि उसमें केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा? नहीं, उन्होंने अभी क्लास में करा। उन्होंने अभी क्लास में कहा तो हम मंडे को लेंगे, हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही को याद करना है, ठीक है? तो अगर सर ने वो मंडे को टेस्ट होगा, और जाहिर सी बात है फिर तो रिटेन हो रहा है तो रिटेन ही होगा, ठीक है? लेकिन होगा नॉर्मन क्लेसर का ही, ठीक है? टॉपिक यही है नॉर्मन क्लेसर, आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और आपने उनके नाम लिखने हैं। थैंक यू।